स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा दूसरी बीवी की खौफनाक साजिश का, जिसने नौकर के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बनाया। इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में बताएंगे आपको, और साथ ही एक ऐसी कातिल बेनकाब होगी जिसने लड़की का कत्ल किया, लाश को जलाया और फिर मंदिर गई गुनाह की माफी मांगने। तीसरा खुलासा मंदिर परिसर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का, कहां ऑफिस में हो गया शूटआउट और मर्डर, ये वारदात भी आपको दिखाएंगे। तो उस घर में दूसरी बीवी ने नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची, तार से पति का गला घोंटा और उसके बाद लाश अस्पताल लेकर गई। सबको यह कहा कि पति के साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट की, लेकिन कैसे खुल गया सुहाग के कत्ल का राज, और कत्ल की वजह भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दूसरी बीवी की खौफनाक साजिश, नौकर के साथ पत्नी ने बनाया प्लान, तार से रिश्ते का घोंटा गला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीवी बेनकाब। एक कत्ल के ये दो आरोपी राजदार थे, लेकिन इनका राज खुले नहीं, इसलिए इस महिला ने इस शख्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि कत्ल का इल्जाम मृतक के घर वालों पर डाल देंगे। दरअसल विदिशा के ग्यारसपुर थाना इलाके में सुरेंद्र यादव की हत्या हुई थी, तार से उसका गला घोंटा गया था। सुरेंद्र यादव को ये दोनों आरोपी अस्पताल ले गए और सुरेंद्र के परिवार पर मारपीट का इल्जाम लगाया। ग्यारसपुर में एक सुरेंद्र यादव की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा धारा 302-201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अब इन किरदारों को समझिए, ये महिला है मृतक सुरेंद्र यादव की पत्नी और ये दूसरा आरोपी है मृतक सुरेंद्र का नौकर राजू, जो उसके यहाँ ड्राइवर का काम भी करता था। पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया और कत्ल कर दिया। तो विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजू यादव, जो उनका नौकर था और ड्राइवरी का काम भी करता था, और उनकी जो दूसरे नंबर की पत्नी थी, वो उन दोनों के द्वारा हत्या में शामिल होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र यादव की दो बीवियां हैं। दूसरी बीवी यानी इस आरोपी महिला ने पति सुरेंद्र की हत्या की साजिश रची, जिसमें उसने नौकर राजू को अपने साथ मिला लिया। इन्फेक्शन से सुरेंद्र विकलांग हो गया था। सुरेंद्र की दूसरी बीवी की दोस्ती नौकर राजू से हुई। आरोपी पत्नी जमीन का सौदा करवाना चाहती थी, जमीन सुरेंद्र के नाम पर थी, लेकिन सुरेंद्र ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। 20 बीघा जमीन, पति का कत्ल। बस इस इनकार पर दूसरी बीवी ने पति की हत्या की साजिश रची। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब वो कातिल जिसने एक लड़की का कत्ल किया और फिर लाश को जला दिया, उसके बाद मंदिर गई, गुनाह की माफी मांगी और जूते भी खरीदे। उसके बाद वही कातिल कहने लगी उसने सुसाइड किया है। कत्ल के पीछे की मास्टरमाइंड महिला है, कौन है देखिए सर। लड़की का मर्डर, फिर लाश को जलाया, कत्ल के बाद गुनाह की माफी। पहले मांगी माफी, फिर खरीदे शूज। कातिल मचाए शोर, वो मर गई। सीसीटीवी में कैद कातिल का राज। जरायम की दुनिया में ऐसे हत्यारे के बारे में पहले आपने सुना भी नहीं होगा।
जिसने एक लड़की की हत्या की। हत्या करने के बाद लड़की की लाश को जलाया। उसके बाद वो कातिल मंदिर गया, शायद अपने गुनाह की माफी मांगने। तो पहले उस सीन ऑफ क्राइम पर आपको लिए चलते हैं, मंडला के कटरा के सुभद्रा कॉलोनी में। इस घर में आंगन में एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। लाश अध जली थी। विगत दिनों सुभद्रा कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के जलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, मर्ग कायम किया था। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे और जो जांच की गई है और जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर यह पाया गया कि मृतका की सर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है, उसके बाद उसको जला दिया गया है। सीन ऑफ क्राइम ऐसा बनाया गया जिससे ये लगे कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन ये कत्ल का मामला था। नाबालिग लड़की पर सिलबट्टे से वार किया गया था, उसके बाद जब लड़की ने दम तोड़ दिया उस पर कपड़े डाले गए और लाश को जला दिया गया। पूरे शहर में रपटा घाट पे और अन्य जगहों पर गई, हमने सभी चीज़ों को फॉलो किया, जो उन्होंने कहानी बताई उसके हिसाब से हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तो उसमें यह निकल के आया कि घटना करने के पश्चात उसने ही आग लगाई थी और वो चली गई थी, और तत्पश्चात आने पर उसने आसपास हल्ला मचाया कि हमारी बेटी जल गई है। और उसको जब हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी तो उससे ये निकल के आया कि ये वाद विवाद में उनके द्वारा घटना की गई। वो हत्यारा ये साबित करना चाहता था कि यह कत्ल नहीं बल्कि सुसाइड है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और लोगों से मिला सुराग कि इस घर में कुछ विवाद हुआ था और इस सुराग ने कातिल को बेनकाब कर दिया। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा, सिल बट्टे से वार, मां का इंतकाम। हां, मैंने बेटी को मार डाला। नाबालिग लड़की के हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि मां ही निकली। बेटी के कत्ल के बाद मां ने मंदिर में गुनाह की माफी भी मांगी और उसके बाद छोटी बेटी के लिए शूज खरीदे। कत्ल के पीछे की वजह थी बेटी और मां के बीच विवाद। कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की घर से भागकर बेंगलुरु चली गई थी। जब पुलिस वाले लापता लड़की को ढूंढ कर घर लाए तब से मां और बेटी के बीच विवाद हो रहा था। ना दिनांक थी उस दिन, बालिका और उसकी मां के बीच में वाद विवाद सुबह से हो रहा था और लगातार ये एक दूसरे के ऊपर मतलब झुमा झटकी का काम कर रहे थे। उसी दौरान इनकी लड़ाई होते होते ये घर के पीछे गए और मां ने अपने सिल बट्टे से बालिका के सर पे एक वार किया, जिससे बालिका का ओवर ब्लीडिंग की वजह से तत्काल वहीं पर निधन हो गया। तत्पश्चात मां ने जब ये घटना हो गई उसको ये दिखाने के लिए कि वो जली है, घर से कुछ कपड़े इकट्ठे करके उनके ऊपर डाला और उसमें आग लगा दी, जिससे कि ये लगे कि वो चूल्हे से आग लग के मृत्यु हुई है। बेटी का मर्डर और उसके बाद मां की ये शातिर चाल हैरत में डालने वाली है। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिन दहाड़े के ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि सब दहल गए। उस दफ्तर में शख्स दाखिल हुआ, नगर पालिका कर्मचारी पर उसने फायर कर दिया और गोलीकांड में कर्मचारी की मौत हो गई। मर्डर मिस्ट्री के पीछे था बस एक इंतकाम। ऑफिस में शूटआउट, ट्रिगर पर मौत, दिल दहला देने वाला इंतकाम। वो देखो हत्यारा भाग रहा है। ये तस्वीर ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत और गुनाह की गवाही दे रही है। इस ऑफिस में दिन दहाड़े शूटआउट हुआ, कुर्सी के नीचे बिखरा खून इस बात का गवाह है कि वारदात इस रूम में हुई। धार के मनावर नगर पालिका परिषद में इस गोलीकांड से दहशत का माहौल है। गोली मारी गई थी नगर पालिका के कर्मचारी छोटू त्रिवेदी को। गोली लगने पर गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से कर्मचारी छोटू को बड़वानी रेफर किया गया। इधर पुलिस की टीम को लोगों से खबर लगी कि कोई भाग रहा है। भागने वाला शख्स था नरेंद्र धौली। मनावर में करीब 12 बजे के आसपास, इनका जो नगर पालिका परिषद है उनका आवक जावक कक्ष है,
वहाँ पर मिस्टर छोटू त्रिवेदी जो कि जल संसाधन और विद्युत प्रभारी हैं वो अपने एक दो और साथी कर्मचारियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक से कोई व्यक्ति आया जिसने उनको गोली मार दी, उनकी कुछ बातचीत भी हुई जैसा कि जस्टिस साक्षी ने बताया, और गोली मार के भाग गया वहां से। शूटआउट के वक्त चश्मदीद ने पुलिस को जो कहानी बताई वो सुनिए। दरअसल विद्युत प्रभारी छोटू त्रिवेदी अपने साथियों के साथ ऑफिस में इस कमरे में बैठे थे, तभी नरेंद्र धौली पहुंचा। पहले बातचीत हुई, फिर बातचीत बहस में तब्दील हो गई और उसके बाद सुनाई दी दहशत की ठाए ठाए। बातचीत से समझ में आया कि कोई विवाद की बात कर रहा था, विवाद करने के किसी पुराने विवाद को लेकर कुछ तीखी बहस भी हुई थी। जब सारी टीम मौके पे थी तो कहीं से सूचना आई कि फलाना जो व्यक्ति है वो फलाना कोई व्यक्ति भागते हुए यहाँ देखा गया है। टीम ने तत्काल मौके से उसको गिरफ्तार किया। घायल छोटू त्रिवेदी को बड़वानी रेफर किया गया, लेकिन इस शूटआउट ने उनकी जान ले ली। दिन दहाड़े हुई हत्या के पीछे इंतकाम की कहानी है। जॉब से निकाला, मार डाला। आरोपी नरेंद्र का बेटा यहां काम करता था। आउटसोर्सिंग से लगे 50-55 कर्मचारी को एक साथ जॉब से निकाला गया था। आरोपी नरेंद्र के बेटे की जॉब भी गई थी। आरोपी को शक था इन सब के पीछे छोटू त्रिवेदी का हाथ है। गिरफ्तार करने में समझ में आया कि मेन व्यक्ति जो गोली मारने वाला था वो नरेंद्र धोली है, जो कि इस बात से नाराज था कि उसका जो बेटा है वो बेटा वहाँ पर काम करता था और कुछ आउटसोर्सिंग के कुछ 50-55 जो भी कर्मचारी थे वो कर्मचारी को एक साथ वहाँ सामूहिक रूप से निकाला गया था। इसी बातचीत को लेकर इनमें विवाद पहले भी होता रहा है और वो उसका दोषी नरेंद्र धोली जो इसका दोषी छोटू त्रिवेदी जी को मानता था। इंतकाम में मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात की। गैंग को पकड़ने के लिए चार थानों की पुलिस जंगल में सर्चिंग कर रही थी, लेकिन तभी करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में एक चरवाहे की लाश मिलती है। क्या इन दोनों वारदातों का आपस में कोई कनेक्शन है? आखिर किस गैंग का मूवमेंट उस जंगल में हो रहा है? देखते हैं। हथियारबंद बदमाशों की दहशत, बंधक बनाकर लूट की वारदात, फिर जंगल में मिली लाश। क्या दोनों वारदात का आपस में कनेक्शन? चार थाने, जंगल में सर्चिंग, सुराग मिला क्या? जंगल में किस गैंग का मूवमेंट? महज 15 किलोमीटर का फासला, एक ही जंगल और दो वारदात। क्या कोई गैंग इस इलाके में मूवमेंट कर रहा है? क्या बदमाशों का गिरोह अलग अलग है या फिर एक ही? तो सिलसिलेवार हुई इन वारदात को बताते हैं। सबसे ताजा तस्वीर मुरैना के निरार इलाके के धनुकापुरा के जंगल की। जिस जंगल में एक राज दफन था, यहाँ एक शख्स की लाश मिली, चरवाहे माता दीन कुशवाहा की। थाने से 1 किलोमीटर दूर जंगल में माता दीन की लाश मिली। घर वालों का इल्जाम है कि माता दीन की हत्या की गई है। दरअसल माता दीन जंगल गया था लेकिन घर नहीं लौटा। जब तलाश की गई तो ये तलाश लाश पर खत्म हुई। बकरी यहाँ वो मौके से कितनी ले चराने के लिए गया था, वो 80 करीब थी। तो अभी बकरियां घर पे मिली है कुछ या सब ले? कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला है। चरवाहा माता दीन कुशवाहा करीब 30 से 35 बकरियां चराने जंगल गया था। बकरियां भी गायब है। क्या इसमें मवेशी चोर गैंग का हाथ है? निरार के बीच में उस डांडे पे मिला जंगल में। अच्छा। अब इस तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। थाना इलाका अलग है, मुरैना का पहाड़गढ़ थाना इलाका, लेकिन जंगल एक ही है, धनुकापुरा।
एक दिन पहले किसरौली में स्टोन क्रेशर के स्टाफ के साथ 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट की। दो युवकों को बंधक बनाया गया, बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक समेत कई सामान लूटकर बदमाश फरार हो गए। वो कम से कम 10-12 लोग थे, एक गाड़ी बता रहे थे और दो मोटरसाइकिल थी। एक हमारी मोटरसाइकिल को फिर भी साथ में उठा के ले गए, फिर तीनों मोटरसाइकिलों को एक साथ लेके गए। चार थानों की पुलिस जंगल में सर्चिंग कर रही थी, उस गैंग का सुराग तो हाथ नहीं लगा इधर एक चरवाहे की लाश का मिलना। हमारे दो आदमी थे यहाँ पर, एक ट्रैक्टर वाला था और मशीन जेसीबी का ड्राइवर था। उनको दोनों को बंद करके कमरे में, और ट्रैक्टर और मेरी मोटरसाइकिल थी और ड्रम 4 डीजल वाले खाली और गैस सिलेंडर। अज्ञात लोग थे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या दोनों वारदात में एक ही ग्रोह का कनेक्शन है? आखिर ये लुटेरे और हत्या करने वाले बदमाश कौन है? मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स।